नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि गुरु चेंज 20/11/2020 को। गुरु महाराज राशि चेंज करने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए ये राशि का जो ब्राह्मण है गुरु का, धनु राशि से निकलकर शनि की मकर राशि में गुरु ब्राह्मण करने वाले हैं, तो खुद की राशि छोड़ के गुरु महाराज जा रहे हैं शनि की राशि मकर राशि। उनके अंदर गुरु का जो ब्राह्मण है वो कैसा रहेगा, मीन राशि वालों के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। मीन राशि गुरु घर के राशि, गुरु के घर की राशि, और गुरु अभी जा रहे हैं शनि के घर में नीच के। गुरु महाराज जो मकर राशि होती है वहाँ नीच के गिने जाते हैं, और वहाँ ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ शनि महाराज ऑलरेडी गोचर में चल रहे हैं और गुरु उसके ऊपर उनका ब्राह्मण होने वाला है। मीन राशि पाइसिस मून राशि से बात हो रही है, चंद्र राशि चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं अपने, तो उनको देखना चाहिए कि ये 2-2.5-3 साल जो आपने बिताए हैं वो कितने ही कठिन, कितने भारी, कितने ही तकलीफ वाले हो, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो अभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर है। मीन राशि की बात हो रही है, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो राशि का लॉर्ड्स है वो जाके बैठेगा 11th हाउस में, और ये जो हाउस है 11th हाउस जो होता है वो है लाभ का, गेन का। आपने यहाँ काम बहुत किया, 10वें स्थान में जब गुरु चल रहा था तो आपको बहुत दौड़ाया भगाया, इधर उधर सब जगह स्ट्रगल करवाई आपको, लेकिन जो फल मिलना चाहिए आपको लग रहा है कि जो इतना मैंने भाग दौड़ की है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है, काम के ऊपर फोकस किया है, उतना तो फल मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जब भी गुरु 11th हाउस, ये जो हाउस होता है वो गुरु का हाउस होता है, गुरु के 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये हाउस में गुरु खुद के घर के गिने जाते हैं। यहाँ गुरु खुद बहुत ही ज़बरदस्त फल देते हैं। जैसे 3rd हाउस में राहु, 6th हाउस में राहु, 10th हाउस में राहु और 11th हाउस में राहु फल देते हैं, वैसे ही गुरु के भी खुद के हाउस है। वो हाउस के अंदर अगर गुरु जाते हैं तो उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है काम करने की, फल देने की, वो बढ़ जाती है। यहाँ गुरु खुद शनि के ऊपर, ऑलरेडी आपकी कुंडली में ये लाभ का स्वामी है शनि महाराज, यहाँ मीन राशि के लिए 11th हाउस में खुद जाके बैठे, 2.5 साल यहाँ बैठने वाले हैं, और उसके ऊपर खुद गुरु का ब्राह्मण होने वाला है। शनि की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको बल देने के लिए गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं। तो ये जो गुरु है वो आपको बेहतरीन फल देंगे। अपनी मीन राशि वाले जितने भी अनमैरिड व्यक्ति पर्सन है, जो संतान से वंचित है, उन सब की वहाँ संतान होने वाली है। जो अनमैरिड है उनकी सहनाई बजने वाली है। जितने भी अनमैरिड लड़के लड़कियाँ हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ समाचार है गुरु महाराज के यहाँ, क्योंकि गुरु खुद बैठेंगे 11th हाउस में और अपनी दृष्टि जो है वो सब उत्तम जगह पे डालने वाले हैं। एक तो 7th स्थान के ऊपर, 5th स्थान के ऊपर और 3rd हाउस के ऊपर, यहाँ जो गुरु की क्षमता है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त फल दे, क्योंकि गुरु की जो नज़र है उसके अंदर पावर है। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत है, अमृत मतलब जो मृत है उसको भी जिंदा करने की ताकत गुरु की दृष्टि के अंदर है। इसलिए यहाँ गुरु आपको अचानक, कोई लॉटरी भी आपकी लग सकती है। मीन राशि वालों के लिए 5th स्थान को जब भी गुरु देखते हैं तो गुरु के अंदर की जो क्षमता है, वो दृष्टि जो है वो पावरफुल होती है। और यहाँ अगर समझो जन्म का आपका कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है तो आपको लॉटरी के भी योग अभी इस साल में लग सकते हैं। आपके संतान से आपको कोई बड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपकी संतान की प्रगति हो सकती है, आपके संतान आपको
कोई अच्छी कमाई करके दे सकते हैं, इनके वजह से आपको कोई अच्छा ग्रेस मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है। आप किसके पिताजी हो, किसके माताजी हो? बोले हम फलाने के माताजी है, इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है। मतलब आपकी संतान कोई बड़ा काम कर सकती है, कोई बड़ा अच्छा ख्याति सिद्धि प्राप्त कर सकती है, अचीवमेंट प्राप्त कर सकती है। मीन राशि वालों के लिए यहाँ शुभ समाचार है। इसलिए ओवरऑल देखने जाएंगे तो मीन राशि अभी बहुत ही बढ़िया है। कोई डरने की, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो राहु है यहाँ थर्ड हाउस का राहु, और खुद गुरु राहु महाराज को देखेंगे तो राहु को भी बल मिलेगा, राहु को भी बल मिल सकता है, क्योंकि गुरु की जो पावर है, जो दृष्टि है, उसके अंदर बहुत ही पावर है। इसलिए यहाँ जो राहु महाराज फल देंगे वो बहुत ही जबरदस्त फल मिलने वाला है। थर्ड हाउस का राहु आदमी को रंक में से राजा बना देता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो डेढ़ दो साल के अंदर पैसे वाला बन जाता है। आप सोच में पड़ जाओगे कि डेढ़ साल के अंदर ये आदमी इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि यहाँ राहु बार बार नहीं आते, 18 साल में एक बार राहु यहाँ आते हैं। इसलिए आप सोच लीजिए, यहाँ गुरु, यहाँ राहु और कुछ शनि 11th हाउस में, ये कुंडली के राजयोग है, बहुत ही उत्तम राजयोग है। इसलिए आपको लाभ 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 गेन, खाली ये जो साल भर यहाँ बैठने वाले हैं गुरु महाराज, 20 नवंबर के बाद आपको लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। अभी सब चिंता छोड़ के आप पैसे कहाँ से आएंगे बस वही सोचोगे, रुपया पैसा धन दौलत सब अभी आपके पास आने वाला है। आपको कोई भी चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि वाले अभी सुपर डुपर बढ़िया होके चलने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। अभी बैटिंग आपकी आई है, हर बॉल पे सिक्स लगेगा आपका। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।